बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर काउंटडाउन क्लास एंड आई एम योर काउंटडाउन टीचर। सो ओपन योर रिवीजन प्लान और देखते हैं कि आज आप लोगों ने रिवीजन प्लान ऑफ वीक टू में कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 15th of August 2020 सैटरडे। सो आज आप लोगों ने काउंट डाउन पेज नंबर 14 एंड 15 करने हैं और इन पेजेस पर आपने एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक करने हैं। नीट रफ नोटबुक पे आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है। सो फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर काउंट डाउन बुक पेज नंबर 14। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 14 पर आपके पास है एक्सरसाइज 1C और एक्सरसाइज 1C का जो क्वेश्चन हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने जस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है और मैं हर क्वेश्चन का एक पार्ट करवाऊँगी और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करोगे। जहाँ डिफ़िकल्टी होगी आप लोग थ्रू मैसेज पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका पार्ट बी है वो मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो नंबर्स दिए गए हैं उनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी ये है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले हमने जो ट्रिक पढ़ी थी मल्टीप्लीकेशन टॉपिक में, वो क्या ट्रिक थी कि जो ओरिजिनल नंबर होता है उसके लास्ट में अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 के लास्ट में 10 आता है, तो ओरिजिनल नंबर के लास्ट में हम 10 ऐड कर देंगे। तो ये नंबर हम यहाँ लिख लेंगे और लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है सेम आ रहा है या नहीं। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 0, 0 ज़ा 0, 0, 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो 0, 3 ज़ा 0, 0 अगेन 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें। यहाँ स्पेस थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, एडिशन के बाद आप क्या कैसे इसको लिखोगे, 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 5 के ऊपर 0 है तो 5 ही आ जाएगा, देन 3, देन 9, देन 7। तो आप इस नंबर को मैच कर सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में नंबर लिखा था, सेम है आपके पास, दोनों नंबर सेम आंसर्स दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो अपना आंसर चेक करने के लिए। तो इसी तरीके से बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो नंबर्स दिए गए उनको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं पार्ट सी आपको करवा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 5 का। नंबर्स को आपने लिख लिया है, अब आप इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी आप क्या करोगे, चेक करने के लिए यहाँ पर नंबर लिख लो, 7, 6, 4, 1, 3, 2, 0 0, क्योंकि 100 के लास्ट में 2 0s हैं तो वो 2 0s आपने ऐसे पुट कर दिए। उसके बाद अब आप मल्टीप्लाई करें, 0 को उन तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो 0s पुट कर दें। फिर आप देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेकंड के साथ, सेकंड भी 0 ही है तो 0 अगेन 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले आपने 2 मल्टीप्लाई के साइन जो हैं वो यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7। इसके बाद आप क्या करोगे, इन नंबर्स को ऐड कर दोगे, इन नंबर्स को आप ऐड कर देंगे तो आफ्टर एडिशन आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 0 2 3 1 4 6 7। तो इस नंबर को आप जो ऊपर आपने नंबर लिखा था बिफोर कैलकुलेशन बिफोर मल्टीप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं सेम नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करना है, आपने जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उसको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास के नंबर्स हमने लिख लिए हैं। ज़ीरो को पहले हम तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई का साइन, फिर ज़ीरोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन टू टाइम्स आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है और फिर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है और उसके बाद वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो ज़ीरो फाइव, वन एट ज़ा एट, वन वन ज़ा वन, वन सिक्स ज़ा सिक्स। अब आप इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ज़ीरो 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 फाइव एट वन सिक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उसको आपने 10 के साथ डिवाइड करना है। सो आप डिवीजन कैसे करेंगे, आपको मैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 10 के टेबल में 23 नहीं आता बट 20 आता है। 10 टू ज़ा 20, माइनस कर देंगे, 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया, 2 में से 2 माइनस किया तो 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर को नीचे लिख लेंगे 8, ये हो गया 38, तो आप लिखोगे 10 थ्री ज़ा 30, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको माइनस कर दो तो आपके पास नीचे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर भी आपने नीचे लिख लिया 2, तो 10 8 ज़ा 80। उसके बाद अगेन सब्ट्रैक्शन की तो 2 आंसर आ गया। 2 के साथ आपने नेक्स्ट नंबर को भी 0 को नीचे उतार लिया तो 20 बन गया। 10 टू ज़ा 20। अब रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो 0 है इसको नीचे उतारोगे। 10 कितने ज़ा 0, 10 0 ज़ा 0। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने डिवीजन के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप लोग खुद करोगे। इसी तरीके से डिवीजन होगी, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपने नंबर्स को 100 के साथ डिवाइड करना है और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने नंबर्स को जो है आपने 1000 के साथ डिवाइड करना है। सो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल और इजी हैं, आप लोग इनकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ डिफ़िकल्टी हो आप पूछ सकते हैं, नीट एंड क्लीन रफ नोटबुक्स पर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर्स दिए गए हैं और आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो आपके 6 डिजिट नंबर है उनको आपने 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो इसमें से भी एक पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। और जो पार्ट मैं आपको करवाऊँगी वो है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी यहाँ पर मैंने लिख लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 0 लिखा 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देन सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई का साइन फर्स्ट नंबर के नीचे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ लिखेंगे और 2 नेक्स्ट नंबर पर कैरी चला जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 23, 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ कैरी चला गया। 7 2 ज़ा 14, 15 16, 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी चला गया। 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 1 8, 7 2 ज़ा 14। अब आगे मजीद कोई नंबर नहीं है तो 14 को आपने कम्प्लीटली लिख लिया। उसके बाद अब आप इनको ऐड कर दें। 3 7 8 9 8, 7 8 9 10, 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 and 6 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 5 1 कैरी, 4 and 1 5 and 1, इसी तरह आ जाएगा। सो इस तरह से आपने 2 डिजिट्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है 6 डिजिट नंबर की। ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन अभी आपको जो 9 क्वेश्चन दिए गए हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। उनको पहले आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी मैं आपको करवा देती हूँ एंड बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद इसी तरीके से करने हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमने पार्ट सी को वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
वन टू ज़ा टू, वन वन ज़ा वन, वन नाइन ज़ा नाइन, वन एट ज़ा एट, वन फाइव ज़ा फाइव, वन सेवन ज़ा सेवन। उसके बाद सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई का साइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, सेवन यहाँ आ जाएगा टू कैरी, थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स, सिक्स यहाँ टू कैरी, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन, सेवन यहाँ लिखा वन कैरी, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले टू टाइम्स आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, वन टू ज़ा टू, वन वन ज़ा वन, वन नाइन ज़ा नाइन, वन एट ज़ा एट, वन फाइव ज़ा फाइव, वन सेवन ज़ा सेवन। इसके बाद आप इनको ऐड कर दें, टू सिक्स एंड वन सेवन, नाइन एंड थ्री ट्वेल्व, थर्टीन फोर्टीन, फोर वन कैरी, सेवन और वन एट, एट एंड सिक्सटीन वन, सेवनटीन सेवन यहाँ वन कैरी, नाइन एंड वन टेन, टेन एंड सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, वन यहाँ लिखा टू कैरी, सेवन एंड सेवन फोर्टीन, फिफ्टीन सिक्सटीन, सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। सो फोर यहाँ लिखा टू कैरी, टू एंड टू फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, सेवन एट नाइन। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपने डिवीजन करनी है। सो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन का पार्ट डी आपको करवाऊंगी, ठीक है, दिस वन, और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को अटेम्प्ट करने से पहले कीप इट इन माइंड के जो जिस नंबर से आपने डिवाइड करना है, मींस जो आपके पास डिवाइज़र है वो बिगर नंबर है, सो आप इट्स अगर आप क्वेश्चन को इजीली करना चाहते हैं तो बेस्ट वे तो ये है कि आप साइड में इस तरह से लाइन लगाएं और एक टेबल बना लें रफ वर्क का, और उसमें आपने क्या करना है कि डिवाइज़र को टू के साथ मल्टीप्लाई करें, देन थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें, देन फोर के साथ मल्टीप्लाई करें, देन फाइव के साथ, देन सिक्स के साथ, इसी तरह नाइन तक, एट मिनिमम आप लोगों ने मैक्सिमम नाइन तक आप लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। जब आप ये कर लेंगे तो आपके लिए डिवीजन बहुत ही सिंपल हो जाएगी और इजी हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि 485 में 650 या 650 से छोटा और करीब तरीन कौन सा नंबर आ सकता है। सो स्टूडेंट्स हम चलते हैं टेबल की तरफ और टेबल में देखते हैं कि हम किस नंबर के साथ इसको लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर मैं टू के साथ देखूं स्टार्टिंग से, तो 485 को टू के साथ मल्टीप्लाई करने से 970 आंसर आ रहा है, विच इज़ बिगर देन 650। सो हम इसको वन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 485 वन ज़ा 485। इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, ज़ीरो में से फाइव माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, ये टेन हो गया और ये रह गया फाइव, सॉरी फोर, टेन में से फाइव माइनस किया तो फाइव आ गया, फोर में से एट माइनस नहीं कर सकते, नेक्स्ट नंबर से कैरी लेंगे तो ये फोर्टीन हो गया और ये आपके पास फाइव रह गया। अब फोर्टीन में से एट माइनस करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, और फाइव में से फोर माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। अब आपने देखना है 165 जो है वो 485 से बहुत छोटा हो गया, तो हम नेक्स्ट नंबर को भी नीचे नोट कर लेंगे। तो अब आपने देखना है कि 485 के टेबल में ये नंबर या इससे छोटा और करीब तरीन कौन सा नंबर आता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 के साथ 970 आ रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 455 आ रहा है, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1940 आ रहा है। ये नंबर आपके पास बड़ा हो गया, सो हम इसको 3 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। 485 को 3 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1455, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिक्स में से फाइव माइनस किया तो वन, फाइव में से फाइव ज़ीरो, इसके बाद सिक्स में से फोर माइनस किया तो टू, वन में से वन माइनस किया तो ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट नंबर को भी आप नीचे नोट कर लोगे तो ये हो जाएगा 2017। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि 485 के टेबल में 2017 या इससे करीब तरीन छोटा नंबर कौन सा आता है। तो यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
485 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1940 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 485 फोर ज़ा 1940, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7। 1 में से 4 नहीं जा सकते, 11 सॉरी नेक्स्ट नंबर से कैरी भी नहीं ले सकते, तो यहाँ से कैरी लेके इसको 10 बनाएंगे और ये रह जाएगा 9, ये रह जाएगा 1। अब यहाँ से यहाँ कैरी लिया तो 11 बन गया ये, और ये रह गया 9। 11 में से 4 माइनस किया तो 7 आ गया, और 9 में से 9 माइनस किया तो 0, अगेन 0। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट नंबर है उसको भी हम नीचे नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 778। अब आप देख सकते हैं कि 45 के टेबल में 778 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है। 2 से अगर हम लेते हैं तो 970 आ रहा है, इट मीन्स कि आगे भी नंबर बढ़ते जाएंगे, बिगर होते जाएंगे। तो आप 485 को 1 के साथ करोगे, 485 वन ज़ा 485। उसके बाद आप लिख मल्टी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 7 में से 8 माइनस किया नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, ये आपके पास 6 रह जाएगा। 17 में से 8 माइनस किया तो 9, 6 में से 4 माइनस किया तो 2। सो ये आपके पास जो है, अब मज़ीद इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो है बहुत छोटा नंबर है डिवाइज़र से, और मज़ीद आगे आपके पास कोई नंबर भी नहीं है। सो यहाँ पर आपने डिवीज़न को स्टॉप कर देना है और मेंशन करना है कि आपका रिमाइंडर क्या आया है और क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर है आपके पास 293 और जो क्वेश्चन है वो है 1341। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने नीट एंड क्लीन जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी आपने डिवीजन ही करनी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें पहले उन्होंने डिवीजन का साइन दे दिया, आपने पहले इन क्वेश्चंस में पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में डिवीजन करनी है आपने, ठीक है ना। तो ये पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद करने हैं, जहाँ डिफ़िकल्टी हो या नहीं हो रहा आपसे क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं।